हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है दुर्वेश और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान टीवी। सो आज के टॉपिक में बात करेंगे सैमसंग के नए फ़ोन गैलेक्सी Z Fold 3 के बारे में। ये फ़ोन रिसेंटली गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट पे रिवील किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है। सो आज की वीडियो में जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानते हैं इंडिया में इस फ़ोन की कॉस्ट क्या होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियोस फ्रिक्वेंटली इस चैनल पे पोस्ट करते रहता हूँ। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, ये जो गैलेक्सी Z Fold 3 फ़ोन की डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है अगर हम प्रीवियस मॉडल गैलेक्सी Z Fold 2 से कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो 80% ज़्यादा ड्यूरेबल है प्रीवियस मॉडल से। इसकी जो आउटर स्किन है वो प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास विक्टस से। फ़ोन का जो एक्सटर्नल फ्रेम है वो मिलिट्री ग्रेड आर्मर एल्यूमिनियम से बना है जो फ़ोन को 10% और ड्यूरेबल बना देता है। फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जिससे फ़ोन को अनलॉक या लॉक किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है जो इसे वर्ल्ड का फर्स्ट वाटर रेजिस्टेंट फोल्डेबल फोन बना देता है। फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, फैंटम ब्लैक, फैंटम ग्रीन और फैंटम सिल्वर। दोस्तों, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। फोन की जो मेन स्क्रीन है वो आती है 7.6 इंच की डायनामिक एमोलेड 2X फ्लेक्स डिस्प्ले के साथ जो कि काफी अच्छा ब्राइटनेस और कलर्स प्रोड्यूस करती है नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से। दोस्तों, ये जो स्क्रीन है वो आती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 374 PPI डेंसिटी के साथ। फोन की जो कवर स्क्रीन है वो भी 120Hz के साथ आती है जो कि एक अच्छा एडिशन है। दोस्तों, अगर बात करें प्रोसेसर की तो गैलेक्सी Z Fold 3 में सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 888 SoC को इंटीग्रेट किया है जो कि एक हाई एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यहाँ आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। फ़ोन आता है 2 मेमोरी ऑप्शन के साथ, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम और 512 इंटरनल स्टोरेज के साथ। जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 टाइप की है जो काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करती है। अगर कैमरे की बात करें तो दोस्तों, सैमसंग Z Fold 3 आता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ। जो प्राइमरी सेंसर है वो आता है F1.8 12MP सेंसर विद OIS सपोर्ट के साथ। एक 12MP F2.2 का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसमें है और एक टेलीफोटो कैमरा जो 12MP F2.4 सेंसर के साथ डुअल ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। ये कैमरा 2X तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है और HDR 10+ पर वीडियो शूट भी कर सकता है। इस फोन का जो कवर सेल्फी कैमरा है वो आता है 10MP का F2.2 एपेचर के साथ। इस फोन की मेन स्क्रीन पर एक अंडर डिस्प्ले कैमरा भी है जो 4MP F1.8 का है। सैमसंग का ये फर्स्ट अंडर डिस्प्ले कैमरा इम्प्लीमेंटेशन है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, सैमसंग Z Fold 3 आता है एंड्रॉयड 11 और सैमसंग की वन UI 3.0 के साथ। अगर नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों, ये फ़ोन 5G कैपेबल है जो नॉन स्टैंडअलोन और सब 6 GHz या फिर मिलीमीटर वेव्स की 5G फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। फोन 4G LTE, 3G और 2G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर बैटरी की बात की जाए तो इस फोन में 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 3 की लॉन्च प्राइस रखी है $1,799 जो इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 140,000 के करीब आती है। ऑब्वियसली जो एक्चुअल प्राइस इंडिया में जो होने वाली है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने के चांसेस है। सो यही एंड करते हैं आज के टॉपिक को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।